कितने की है? 890 MRP, 420 का मिला। देखो कितना सही है। और ये बताइए इसकी MRP है 297। तो मिला कितने का? 227। तो ये हमारे घर के एक ये अनबॉक्सिंग वाले हैं और एक ये है, यही दोनों लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बड़े लोग बड़ा खोल रहे हैं और छोटे लोग खोल रहे हैं। चाय पत्ती 500 रुपए में है। चाय पत्ती और देखो सिर्फ चाय पत्ती मंगाया गया। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पार्सल को ओपन करने के लिए विनी कितना ज़्यादा जिद कर रही हैं। तो इन्हें पार्सल ओपन करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और यहाँ पे हमने ना कुछ ग्रॉसरी के सामान जो ऑनलाइन से मंगाया है वो भी बहुत ही रिजनेबल रेट में। तो आप लोग भी ट्राई करें, फ्लिपकार्ट से बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं आजकल, तो फ्लिपकार्ट से मंगाएं और देखें कितने ज़्यादा बचत आप लोग को भी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर है ना, ये जो कॉलगेट है ये स्पेशली विनी के लिए आया है, तो वो अब अपना लेके एक्साइटेड हो गई हैं। तो चलिए आगे व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने ना एक ये बैग और यहाँ पे बैठे बैठे एक ये वाला बैग कोने में रखा है ना, कोने में वो वाला बैग, दो बैग मैंने खाली करके अलमारी में रख दिए हैं। अब ये वाला बैग बाकी है तो मैं अब ये रख देती हूँ। और फिर सामान देखिए कितने सारे हैं। तो अब हमारे नीचे वाले कमरे से हम ऊपर आ गए हैं और सारे सामान अभी सेट करने, कलर लगना बाकी है तो कल से कलर होने वाला है और इसलिए सारे सामान ऊपर लाना पड़ा है। तो देखिए कितने सारे सामान रखे हुए हैं, तो इनको सभी को सेट करना है हमको, ठीक है? तो देखिए, तो ठीक है, तो अभी ना मैं इन सबको रख लेती हूँ वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। बहुत ही भारी है तो इसमें ना पता है मेरे शादी की ना सारी साड़ियाँ इसी में रखी हुई है। तो ये देखिए ये एक गर्मी में ओढ़ने वाला है, गर्मियों में ओढ़ा जाता है इसको, तो ये है। और इस तरह से ना मैं सारे ऐसे कैरी बैग में रखी रहती। तो ये देखिए ये भी एक साड़ी है और है कॉटन की है ये। तो आप लोगों को ना मेरे साड़ी की कलेक्शन चाहिए होगी ना, तो मैं आप लोग को ना वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारी साड़ियाँ, पूरा ना बैग भर के है, देखिए बहुत ज़्यादा है। ये कमरे की क्या हालत हुई है, अभी वो रेड वाले में भी है और वहाँ पे कॉर्नर में दो है ना उसमें भी है, मतलब सब में कपड़े ही हैं, सब में कपड़े हैं। ये सब करने में ना आज पूरा दिन ख़त्म हो गया, पूरा दिन सुबह से इसी में लगे हुए हैं। जब से विनी को स्कूल भेजा था ना तब भी से करके काम और उसके बाद ये। चलिए जल्दी जल्दी से रख लेती हूँ। बैग में से सारी साड़ियाँ मैं अलमारी में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये जो बैग होते हैं ना ये सारे ऊपर की तरफ रख दिए जाते हैं, तो जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये समय से मुझे मिलते नहीं हैं। इसलिए ना मैंने सारे बैग खाली करके अलमारी में रख दिया है, तो जब भी मुझे साड़ी चाहिए होगा मैं आराम से निकाल लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए सारे एक एक करते हुए मैं सारी साड़ियाँ रख दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर है ना सारी साड़ियाँ अच्छी तरह से रख दिया है और ये अंदर से भी एक लाइन है और बाहर से एक लाइन है, टोटल मतलब चार लाइन में मैंने इसे रखा हुआ है। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा साड़ियाँ हो गई हैं। फाइनली मैंने सारा कमरा साफ़ कर दिए हैं और सारे बैग मैंने खाली कर दिए हैं। इनको मैं एक एक करके वॉश करके फिर ऊपर वाली अलमारी पर रख दूँगी। और इसमें देखिए ये डब्बे में ना कुछ शीशे की क्रॉकरीज हैं और उसे भी अच्छे से रखना है कहीं पे। और यहाँ पे अलमारी भी सेट हो गया, पूरा कमरा सेट हो गया है। था सारा काम करते करते ना सुबह से रात हो गई है, तो अब ना मैं व्लॉग को यहीं पे कर देती हूँ एंड। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको ना मेरे व्लॉग पसंद आते हो ना तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।